तेज की सभी वीडियो देखने के लिए पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हिंदू है, लेकिन हमारा देश इन्हें हिंदू नहीं मानता। हिंदुत्व की बात करने वाली हमारी सरकार इन्हें हिंदू का सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है। जी हाँ, 1998 में आए पाकिस्तान से लगभग 100 परिवार, जो एक हिंदू परिवार है, वहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रही ज्यादतियों से परेशान होकर ये परिवार हिंदुस्तान आ गए, लेकिन वहाँ हमारी सरकार ने इन्हें हिंदू मानने से इनकार कर दिया। कितना समय बीत चुका है इनको यहाँ पर आए, लेकिन अब तक इन्हें ना तो राशन कार्ड दिया गया है और ना ही इनका कोई वोटर आईडी कार्ड बनाया गया है। कहा जा रहा है कि लगभग 2 साल पहले इनका आधार कार्ड जरूर बनवा दिया गया, जिस वजह से ना तो इनके पास राशन कार्ड है और ना ही इनके पास एक आईडी कार्ड है और वोटर्स इनके बहुत कम हैं। जब ये आए थे तब इनकी संख्या लगभग 100 की परिवारों की थी, आज इनकी संख्या लगभग बढ़कर ज़्यादा हो गई है। उनमें से कई परिवार जो ऐसे हैं जो राजस्थान में चले गए हैं और उन्हें काफी समय बीत चुका है कि वो लोग, उन लोगों को वहां की नागरिकता भी मिल चुकी है, लेकिन जो परिवार हरियाणा में रह गए उन्हें अब तक नागरिकता नहीं दी गई है, जिस कारण से इनकी नौकरी में, इनकी एजुकेशन में पूरी तरह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं। ये लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, सरकारी नौकरियों के लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते, एजुकेशन में इन लोगों को काफ़ी पीछे रह गए हैं, जिस कारण से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन्हें हिंदू का सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है, ये हिंदू नहीं कहलाए जा रहे हैं, हालांकि ये हिंदू परिवार हैं। मेरा नाम गोपाल चंद है और मैं यहाँ पर 20 साल पहले पाकिस्तान से आया था अपने परिवार के साथ, जिसमें मेरी फैमिली में मेरे फादर, सिस्टर, दो ब्रदर और मेरी माता जी आए थे। तो 20 साल पहले जब हम आए थे तो वहाँ से आने का कारण ये था कि वहाँ पर धार्मिक असहिष्णुता बहुत अधिक है, जिसके कारण वहाँ पर अगर कई यहाँ पर अगर जैसे मस्जिद तोड़ते हैं कोई, या कोई भी मतलब जैसे मुसलमानों के खिलाफ कोई है, कश्मीर में भी होता है, तो वो उसका सारा गुस्सा पाकिस्तान वालों का, मतलब जो मुसलमान 99% हैं, तो वो सारा गुस्सा हम पर निकालते हैं वहाँ पे, ठीक है। और वो गुस्से के कारण अगर हम जहाँ बैठे, कुछ उसमें अच्छे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है, जिनके पास हम बैठे थे गाँव में वो हमारी प्रोटेक्शन भी करते थे, लेकिन हम कब तक वो भी करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो माहौल वहाँ पे हमारे रहने लायक नहीं था, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है, मुझे एक एक्सपीरियंस खुद का कि वहाँ पे वो नलका होता है पानी पीने के लिए, तो वहाँ पे एक बार मैं पानी पीने के लिए कोशिश करने लगा तो मम्मी पापा ने रोक दिया, कहते ये हम इनको नहीं लगा सकते हाथ, क्योंकि वहाँ पे अछूत छुआछूत वो भी सिस्टम चलता है। इस कारण से हम कुछ वहाँ पे कोई अधिकार नहीं है, कुछ नहीं है, ना कोई नौकरी लग सकता है, चपरासी तक की पोस्ट वो नहीं रखने देते। अगर पोस्ट में अगर ऊपर आ जाए कोई तो वो कहेंगे ये काफिर है, ये हिंदू है, इसको हम सल्यूट क्यों करें या सर क्यों कहें, इस कारण वो ये भी नहीं करने देते। उसके बाद वहाँ से इस कारण हम दुखी होकर आ गए। वहाँ पे जैसे सुनते हैं अब भी और पहले भी होता था, भी लड़कियों को अगवा कर लेना, उनका धर्म परिवर्तन जबरन करा देना, उनको कहना अगर आप धर्म परिवर्तन नहीं करोगे तो हम आपके परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे, तो अब बेचारी क्या करे, इस कारण तो वो धर्म परिवर्तन करना पड़ता है, उसके बाद किसी के चलते ही नहीं है। तो इसके सभी कारणों से हम दुखी हो गए यहाँ पे आए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे पढ़ाई शुरू की 1998 में, तब मैं यहाँ पर 5वीं में सरकारी स्कूल तक पढ़ा, जिसमें मेरा नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था, ठीक है। लेकिन सिर्फ राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, ये जो मूल हैं वो नहीं होने के कारण मेरा वहाँ पे सिलेक्शन रद्द कर दिया गया या नहीं हो पाया, नहीं तो मैं वहाँ 12वीं तक फ्री में पढ़ाई कर सकता था, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय था। अब उसके बाद जब वो हो गया, उसके बाद सरकारी स्कूल मैंने पढ़ना जारी रखा, फिर 10वीं मेरे मेरिट थी 83 पॉइंट समथिंग थे, 12th की उसमें कॉमर्स में किया, लेना तो मैं साइंस चाहता था लेकिन उससे खर्चा अधिक है तो साइंस भी नहीं ले सका मैं। अब उसके बाद 12वीं की, उसके बाद सोचा अब कोई काम करते हैं तो डिप्लोमा है, वो डिप्लोमा किया, उसके बाद मैं सोचा जॉब लग जाऊँ, तो मेरा सिलेक्शन भी हो गया गुड़गांव में अप्रेंटिस के लिए मारुति सुजुकी में। उसके बाद मैं वहाँ पे गया, मेरा महीना वहाँ लगाया, फिर वहाँ पे भी वो जैसे बुनियादी सुविधाएं, बैंक अकाउंट खोलने के लिए तक भी वो मांगते हैं राशन कार्ड या कुछ प्रूफ मांगते हैं, वो नहीं होने के कारण फिर मैं वहाँ से फिर वापस घर पे आ गया। उसके बाद मैंने फिर बीए कर दी, अब बीए के बाद मैंने एमएससी कर रहा था ज्योग्राफी से, ठीक है, लेकिन उनकी फ़ीस बहुत अधिक है, अब क्या करूँ मैं, तो उस कारण वो भी मैं नहीं कर पाया। अभी मैं घर पे जो अपना ब्रदर का या अपने डैडी तो अब है नहीं,
तो उनका जो पुश्तैनी, जैसे कह सकते हैं कि मेरे डैडी मेरे दादाजी वही करते, जुतियाँ बनाए काम, तो जुतियाँ बनाते हैं तो मैं हेल्प कर देता हूँ, और बाकी कोई छोटा मोटा घर का काम या इस हिसाब से, नहीं तो बिजली का काम मेरे को आता है थोड़ा बहुत, तो वो भी कभी कभी कर लेता हूँ। इस प्रकार से मेरा मतलब कोई आगे सुविधा है नहीं, कुछ नहीं है, आगे जॉब भी नहीं लग सकता, और तो और अगर मैरिज भी करना चाहें तो भी यहाँ पे हमें, क्योंकि मेरा जो गांव है वो जैसलमेर रह जाता है, वहाँ से मेन इलाका, क्योंकि रिश्तेदारी वहीं पे होगी जहाँ पे हमारे लोग होंगे, यहाँ पे कोई करेगा नहीं कि अंग्रेजी पाकिस्तानी है, तो इसका तो शादी भी उसमें प्रॉब्लम होती है, कोई देखने आता ही नहीं, कहता इंटरेस्ट ही नहीं रखता, क्या तुम्हारी तो शादी हो गई अभी? नहीं हुई ना, अभी नहीं हुई नहीं है? हुई ना, तो इसीलिए कहें भी कोई इंटरेस्ट नहीं लेता भैया, उतनी दूर है, वो कहते हैं बहुत दूर बैठे हो आप, अगर आप यहाँ पे होते तो हम कर लेते, अब वहाँ से 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से फिर आएंगे तो वो कहेंगे नहीं इतनी दूर हम नहीं करते, या तो आप वहाँ पे आ जाओ, अब हमें यहाँ पे बाउंडेशन है, यहाँ पे हमें यहीं पे रहना है, हम कहीं और जाएंगे तो हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, वो अनुमति अगर यहाँ से लेके चले जाएँ तो फिर वो 7 साल का प्रोसीजर फिर से शुरू कर देंगे, उसके बाद फिर कहेंगे जी अब नागरिकता होगी 7 साल के बाद, हम सोच रहे हैं अब हो जाए ऐसे ऐसे, 1-1 साल टप रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार से उम्मीद तो है जी, जैसे अब सोच भी रही है, जैसे सरकार कह भी रही है अगर माइग्रेंट जो भी अगर पड़ोसी देशों से आ रहे हैं, जैसे जो भी अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक के अंदर ये नहीं कि मुसलमान, उस कंट्री के अल्पसंख्यक, मतलब जो हिंदू हो गए, सिख हो गए या और उसी कंट्री के, जैसे हम वहाँ के अल्पसंख्यक, तो वो आएंगे तो उनको रखना चाहिए, उनको नागरिकता भी देनी चाहिए, तो उस हिसाब से करके सरकार सोच रही है, हमें भी लगता हो जाएगा, अभी जैसे हम देख रहे हैं अभी राजस्थान में, जयपुर में, जोधपुर में और गंगानगर में, इधर नागरिकता हो रही है दिन में, मतलब अभी अखबार में खबर 117 को कुछ को एक साथ दी थी, अब यानी रोज वहाँ का एक प्रोसीजर चल गया, वो रोज 5-7 5-7 को जैसे प्रोसीजर पूरा हो रहा है, नागरिकता उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं उनका हो रहा है, पर हरियाणा में मैंने कभी सुना नहीं, क्योंकि यहाँ की सरकार और यहाँ के सिस्टम कुछ हमारा मतलब देखते ही नहीं है कि ये है भी नहीं, क्यों हम कोई वोट बैंक है नहीं, बहुत ही कम संख्या में है, जिस कारण हमें कोई देखता नहीं है, अगर वहाँ पे देखें तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार है, क्योंकि हमारा खुद का गांव है वहाँ पे और हमारी बिरादरी है, तो वो देखते हैं, वो बिरादरी वाले हमारे जिस जॉब लगे हुए हैं, जैसे मेरे अगर कहें तो मेरी दादी के मतलब भाई थे, उनके बेटे हैं, वो जॉब लगे हुए हैं, सरकारी जॉब है, उनके टीचर हैं, तो ऐसे वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं, तो वो हमारी मदद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं हमें, वो हमारे लिए कुछ भी करने को तैयार, अभी कहते हैं अगर लिखना भी हो तो वो लिख देंगे, पर हम दूसरे राज्य में रह जाते हैं, अब उनका भी कुछ बस नहीं चलता, तो इस कारण से हमारा यहाँ पे बहुत मुश्किल हो रहा है काम। 1998 में हम आए थे, जो लास्ट फैमिली है लगभग 1998 में यहाँ पे इलाहाबाद में आके बसे थे, उससे पहले 5-6 साल पहले से आने शुरू हुए हैं, ठीक है, और उस वक्त जब आए थे परिवार तो लगभग 2005 के करीब वहाँ पे, यहाँ पे लगभग 100 और कुछ इस समथिंग ऊपर ही थे परिवार, लेकिन क्या कहते हैं जब 2005 में कैंप लगा नागरिकता का राजस्थान में, तो उससे थोड़ा दिन पहले भी चले गए यहाँ से नागरिकता मतलब रवानगी लेके, जैसे कैसे परमिशन लेके, तो जो परमिशन लेके गए और वहाँ पे वो नागरिकता में दे रहे थे बिना कुछ ज़्यादा देखे हुए, फॉर्मेलिटी थी भी आप आए हो आपका वीज़ा है कि वगैरह देख दू के, और अगर फॉर्मेलिटी 5 साल पूरे हैं तो वो दे रहे थे उस वक्त नागरिकता, तो इस कारण से वो नागरिकता उस वक्त वहाँ पे मिल गई, और हमारा कुछ किसी कारण से हम नहीं जा पाए उस वक्त, तो वो हमारा कैंप उसमें ना जाने के कारण हमारी नागरिकता नहीं हुई, उसके बाद वहाँ से अब यहीं पर बैठे हैं, और उसके बाद अब बीच में जैसे हम गंगानगर में अभी बीच में गए थे कलेक्टर के साहब के पास, उनको भी कहा है, वो भी कह रहे हैं चलो करते हैं, फिर टोटल अब इस वक्त लगभग 66 परिवार इलाहाबाद में हैं, जिसमें इलाहाबाद ममेरा हो गया, नीमला हो गया, आसपास के जो गांव उनमें एक दो दो परिवार रहते हैं, इस हिसाब से मतलब अब संख्या कम हो गई, ज़्यादातर उधर जाने के रुझान है उनका। 5 साल की थी तब आई थी इंडिया, और यहाँ पर आके मैंने 8वीं तक पढ़ाई की है, पर उसके बाद ना कोई आईडी वगैरह नहीं थी इसलिए स्कूल भी छोड़ दिया। अब सिलाई का काम कर रही हूँ और यहीं पे यही कर रही हूँ बस। तो आप सिलाई करके खुद से ही मतलब क्या करते हैं, परिवार की मदद भी करते हैं या फिर खुद के ही खर्चे पूरे निकालते हैं आप इससे? खुद का ही निकलता है वैसे, कभी कभी बस थोड़ा मोटा परिवार में चल जाता है, नहीं तो खुद का ही निकलता है। आजकल महंगाई इतनी है कि पूरा ही नहीं हम होता। चाहते हैं कि हमें नागरिकता मिल जाए ताकि हमें जॉब वगैरह किसी की लगे तो आसानी हो उसमें, हर चीज़ में ना राशन कार्ड की ज़रूरत होती है ज़्यादा, इसलिए। पाकिस्तान के रहीमार खान जिले से आई अग्री देवी जी, लोग जो लगभग 20 साल पहले यहाँ पर आई थी, वो भी हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बातचीत करते हैं कि किस वजह से उन्हें पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा। क्या कारण था कि आपको पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आना पड़ा? आना पड़ा भाई, आपका देश है, हिंदू आ तो हिंदू देश में जाऊँ, राजस्थान है हमारा देश, रोना चाहते पास।
जैसलमेर। लेकिन ये आपका जो जन्म है पाकिस्तान का? मेरे नानी का, नाने का, दादे का, बाप का, यहाँ का जन्म है, मेरा जन्म है वहाँ का। आपका जन्म पाकिस्तान का है? यहाँ की है, लाठी गांव की। 8-10 थां बदल लिए, कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई वहाँ पे, 8-9 था से मकान लिया। तो कोई आईडी थी आपके पास हिंदुस्तान की उस टाइम पे? आईडी कौन थी? बिना आईडी के आपको मकान किराए पर मिल जाते थे? किराए बिना, ठीक है। तो अभी आपकी सरकार से क्या मांग है? अभी कहते हैं नागरिकता हो जाए, पोती पोते है, बच्चे है, बीए पढ़िया हुआ बच्चा, फिर एक मेरे तो की कहते हैं फैक्ट्री बीए करके जाते हैं ना दिल्ली गुड़गांव, वहाँ पे गया भाई नौकरी लगा गया, फिर कहते हैं राशन कार्ड पर फिर पुट्ठा आ गया, फिर साल तो वेला रह गया, फिर कहता और बीए करा, फिर नागरिकता हो जाएगी, बीए कर ली फिर नागरिकता नहीं हुई, फिर कहता एमए करा, एमए एच गया तो वही राशन कार्ड मांग दे के एमए कौन। 16 साल की उम्र में पाकिस्तान से आए नानक राम, अब लगभग 20 साल बीत चुके हैं। अब हम उनसे बात करेंगे कि उस समय से लेकर अब के समय में क्या फर्क आया है, किस वजह से आए थे और अभी उनकी सरकार से क्या डिमांड है। हाँ जी, मैं नानक राम बोल रहा हूँ। हमको तकरीबन 20-22 साल हो गए भारत में आए हुए, तो हमारे यहाँ ये की डिमांड थी कि हमारे को नागरिकता यहाँ नहीं मिल रही, क्योंकि हमें नागरिकता नहीं होने के कारण बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं यहाँ पर। नहीं, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कोई मूल रूप से यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही हमको, और बच्चे जो एडमिशन, हमारा छोटा भाई है वो 12वीं क्लास पास हुए, आगे उसकी एडमिशन नहीं हो रही, तो बहुत सी परेशानी आ रही है हमको आगे ज़िंदगी के अंदर। नहीं हमारा राशन कार्ड है, ना ही कुछ वोट है, ना ही कुछ और है, कोई सरकार की सरकारी सुविधा कुछ भी नहीं मिल रही हमको। तो इसलिए हमारी सरकार से ये मांग है कि हमको नागरिकता दी जाए, क्योंकि हमारे जो सुविधा, जो सरकारी सुविधा, वो हमको मिल सके। सरकार के अंदर 20 सदस्य हैं और सभी मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई कढ़ाई का काम करता है, कोई फ्रूट की रेड़ी लगाता है, कोई अन्य काम करता है, मजदूरी करता है, तो इसलिए हम अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। लगभग 20 से 22 साल हो चुके हैं इन्हें पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए, लेकिन अब तक इन्हें नागरिकता नहीं मिली है। जब राजस्थान की सरकार ने भी इन्हें नागरिकता दे दी है, जो लोग पाकिस्तान से राजस्थान पर गए थे उन्हें भी नागरिकता मिल गई है, लेकिन हरियाणा में ही इन्हें नागरिकता नहीं मिली है। हालांकि ये बात सच है कि केंद्रीय सरकार ने एक बार एक स्कीम चलाई थी जिसके तहत इन्होंने सोचा था कि इन्हें भी नागरिकता दी जाए, लेकिन इनके पास पासपोर्ट, जो इनका वीज़ा होता है, वो एक्सटेंड नहीं था, जिस वजह से इनकी नागरिकता रोक दी गई थी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या ये सरकार इन्हें नागरिकता दे पाएगी, 2019 के चुनाव से पहले क्या इन्हें नागरिकता मिल पाएगी। आप हमारे वीडियो को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे पेज को Twitter और Facebook पर फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।